हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेवर ब्लॉग। राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी आई हो? आप सब घर में अच्छे होंगे? अच्छे हैं तो कमेंट में लिख लो। मैं ठीक हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है क्योंकि मैं किसी काम से आई थी। 12 बज रहे। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं एक वीडियो बना रही हूँ, मतलब एक टॉपिक है जो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में आ रहा था। जैसे बाहर की कंट्री में हम जाते हैं ना अभी, हाँ, तो हमारा वीज़ा लगता है। इंडिया का कोई भी बंदा जाएगा तो बाहर अदर कंट्री में हमारा वीज़ा लगता है। अगर एक दिन भी वहाँ पे ऊपर हुआ, अच्छा, तो हमें जेल में डाल दिया जाए क्राइम के तौर पे। अच्छा। और वहाँ पे हमें हमारे पैसे लगेंगे, मतलब अगर जेल से बाहर आना है तो पॉइंट जो भी है। तो मैं ये सोचती हूँ, इंडिया में कोई भी मुँह उठा के रहने लगता है अदर कंट्री का, आगे बस जाता है वो यहीं आके रहने लगता है, तो ये सही है? गलत है। यहीं पे आगे बस जाता है और मतलब उसकी कोई वीज़ा नहीं, कुछ नहीं, जितने मर्जी जहाँ पे रहे वो, मतलब दिन जितने दिन। तो यहाँ की सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। वैसे तो इतने सारे रूल्स बनाए जा रहे हैं, ये वो, इंडिया को हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या कोई भी हमारी कंट्री में आएगा उसका वीज़ा लगेगा? जैसे बाहर कंट्री में होता है, जैसे मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान से सीमा इधर आ गई और उसका पता भी नहीं वो कब आ गए इंडिया में, कैसे आई और रहने लगी यहीं पर, और यहीं पे बस गए, उसे आज तक निकाला नहीं। वो तो है गलती है। तो ऐसे कि हम सुखिया, मतलब यहाँ पे सुखिया है इंडिया वाले नहीं, नहीं है ना सेफ? ऐसे हम सेफ मान लें अपने आप को? कोई भी पाकिस्तान का आगे ना लगेगा भाई, कोई भी बंगाल का यहाँ पे आगे रहेगा, नॉर्थ कंट्री का कोई भी, मतलब। तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल एग्री नहीं करती। सरकार को इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन देना चाहिए, अदर कंट्री का कोई भी हमारी कंट्री में आएगा तो उसका वीज़ा लगेगा। जब हमारे लिए वीज़ा है तो उनके लिए भी रूल्स होने चाहिए बाहर की कंट्रियों के लिए। और क्या, जिनके पास वीज़ा नहीं है अपनी कंट्री वापस जाए इंडिया को छोड़ के। गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, ज़्यादा इस रील्स को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि समझ आए लोगों को, और प्लीज़ मोदी जी तक ये रील भी पहुँचाए, ताकि उनको भी ये चीज़, ये रूल्स करें कि बाहर की कंट्री कोई भी आए तो उसका वीज़ा लगे हमारे देश में। क्योंकि जैसे हमारा लगता है, हम पैसा लगा के खर्च करके जाते हैं, नौकरी करने भी जाते हैं वहाँ पे, 2-3 लाख रुपए खर्च करते हैं वीज़ा के लिए, तब हम लोग बाहर जाते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर आने के लिए पैसे खर्च करने पड़े, उन्हें पता चले ना, तो मुँह उठा के आ जाते हैं, बस यहीं पर रहने लगते हैं। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को शेयर करना एंड ज़्यादा से लाइक करना लोगों को, और इस बात पर एग्री कमेंट करना कि मैंने ये सही कहा या गलत है। थैंक यू सो मच। ओ पाकिस्तान को वासी हो, सो सीमा वापिस अपने देश चले जाओ। हाँ जाऊँगी। क्यों हमारे देश में खून पी रहे हो हमारे देश का? क्यों हमारे देश के लोगों को बिगाड़ रहे हो? क्यों इंडिया के लोगों को बिगाड़ रहे हो? बेचारे अच्छे खासे लोग हैं यार, जो हुआ और इंडिया वाला तुम भी सदा क्यों उसे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे इंसान को जो अपने देश को छोड़कर आ गए, जो अपने देश का नहीं हुआ, तो सोचो हमारे देश का क्या होगा वो। राइट। तो अपनी आंखें खोलो, आंखें खोल के देखो, आंखें बंद करके नहीं। हाँ खोल लिया सही। मैं सीरियसली बहुत गुस्सा आया चीज़ पे आज। अरे हमारी भाभी डॉक्टर है भाई, MBBS भाभी। जिस भाभी क्या बना रही हो आज आप? मटर पनीर। वाओ, भैया के लिए जो सॉन्ग वीडियो बनाई है, क्या नाम, कौन सा गाना था, क्या नाम था उस गाने का? क्यों लेके आए सोता नहीं। इतने सीधे भैया और फिर ये भाई भाभी ऐसे बोल रही है। वाओ चंदा जैसी नाथ बालम क्यों ले आए सोकर। एक स्टैंड लाके आना पड़ेगा फोन के लिए। स्टैंड आता ना फोन वाला। हाँ आराम से बनती है ना। मैं भी लाऊंगी उसे। चल लेके करोल बाग, सही मिलता है वहाँ पे। करोल बाग मार्केट से सही मिल जाते हैं ये सब चीज़ें ना, इन्हीं सब चीज़ों की मार्केट है वो, सॉफ्टवेयर की, जैसे लैपटॉप के हो गए, फ़ोन का स्टैंड, माइक वगैरह, ये सभी मिलता है वहाँ पे। और ये गाने की थी अभी किस हो रही है? दिल्ली कल्ला है।
आ जाओ गाइस, रोटी बना ली भाभी ने। ये रोटियां हैं मेरे हाथों की, नरम नरम गरम 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 चपाती, जिसको खानी हो आ सकता है। हमारी भाभी की रोटी अच्छी बनाती है। चले भाभी जाओ जाओ, चलो बाय बाय बाय। बड़ा पा आगे प्रीति भाभी तो जवानी तो हम पे है एक बार चचा है जवानी फिर ना आए है भाभी जीने के चार दिन बाकी है बेकार दिन। फिर क्यों वो धोखे बिताने, हंस के बिता लो ना फिर, और क्या कम मर जाएंगे। कुछ पता तो है नहीं किसी का, जिंदगी कुछ पता है, आ जाए कर लेंगे। जीना है तो हंस के जियो, जिंदगी में प्रॉब्लम तो चलती रहती सभी के, वो तो है ना, तो वो रोके दूर होने वाली है ना। हम लोग कल ही चलते हैं मंगला साहब। मंगला साहब तुम वही वीडियो बनाई, तुम तुम्हें लेके नहीं जा रहे जो हमारे ब्लॉग में नहीं, वो हमारे साथ नहीं जो हमारे स्टाफ का नहीं उसको कैंसिल। हाँ वो कैंसिल कैंसिल वो कैंसिल वो नहीं जाएगा, हम भी तो जाएंगे बस। सही है भाभी। हाँ एक मैं स्टार एक भाभी स्टार, बाकी सब बेकार। अब तो हम स्टार हो गए, बड़े स्टार बन गए, एक्टर बन गए, एक्टर बन गए। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, फेसबुक पेज पे, मौज पे, हर चीज पे एक्टर है, हर जगह है। ऑटोग्राफ ले लो भाभी तुम इनका, मंजू भाभी का। कुछ दिन बाद तुम्हें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा शायद, ले लेना चाहिए। हाँ अभी ले लो। और सुनाओ कुछ नहीं, चल रही जिंदगी, के हाल है तुम्हारे? बढ़िया हाल है, बढ़िया हाल है। अभी जाएंगे घर पे, खाना वाना बनाएंगे, जिंदगी वही घटी पेटे। आते छुट्टी जिम की जाना है नहीं। अच्छा ये देखो, ये देखो कौन है ये। चांद से पर्दा कीजिए, चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे खानू। ओ मेरे हम नवा, ओ मेरे हजूर भाई साहब एकदम मुँह ऐसा छपा लेती है। चांद का टुकड़ा होता है ना, हमारे बहुत अच्छी। हम तो मेकअप करके बैठे दो दिन हाय मैं कितनी सुतरी, हाय डर ना लग जाए भाभी, काला टीका लगाए कल से यहाँ पे जान दुनिया देखेगी इधर पूरे मुंह काला कर जिसका मुंह काला लपू सो सचिन है बोल लो वहां पे आवे ना बोले तो कछु। सीमा हैदर को मुंह बंद कर दे सीमा हैदर है क्या लोग हमारे दुनिया और ये पब्लिक सीमा हैदर के लिए पागल। इंडिया लगता तो अपने कार हुए खेकड़े सबको अच्छे लगते हैं, और लोग आई तो पड़ोसी की अच्छी लगे बिरयानी घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। यही कुछ लोगों को लगता है कि हम सीमा भाभी को सीमा भाभी पटा लेंगे तो हमारे लिए भी पाकिस्तान दो चार लड़की ले आएगी कुछ लोग तो यही सोच के बैठे हैं सीमा भाभी हमारे लिए दो चार लड़की पाकिस्तान से ले आएगी। सही है सीमा भाभी, ये हमारी एक सीमा भाभी पर इंडियन है, ये इंडियन है, इंडियन पाकिस्तानी नहीं है ये हमारे पास प्रूफ है आधार कार्ड राशन कार्ड पैन कार्ड सब है ना भाभी। चलो गाइस आज की मजदूरी वहीं ख़त्म कर रहे हैं, कल मिलते हैं आपसे। तो आज का ब्लॉग यही एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, सी यू टुमारो। और अपना ध्यान रखे और खुश रहो हमारी तरफ, कुछ हो ना हो जिंदगी में पर खुश रहो और इनकी तरह मुंह मत छुपाना भाभी शर्मा गई क्या बाय तो बोल दो बाय।